अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया वास्ती। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल को क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम, मैं हूं मारिया वास्ती और ये है करोड़ों में खेल। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक। ईद क्या होती है? ईद तो हैप्पीनेस को कहते हैं और हैप्पीनेस कम्स इन ऑल फॉर्म्स एंड साइजेस। अब हालात कुछ भी हों, ईद का मतलब खुशी है और जब आप ईद की बात करेंगे तो खुशी की बात करेंगे। जैसे हम कोशिश करते हैं कि खुशियाँ जो हैं जितनी भी बांटी जा सके वो हम आपके साथ बांटें, लेकिन जब ईद आती है तो वो तो फिर क्या है, यू डिज़र्व अ डबल डोज ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि ईद है एंड वी वॉन्ट टू डबल द हैप्पीनेस। वैसे तो वी ट्राई टू स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, सारा साल हमारी यही कोशिश होती है, लेकिन जब ईद की बात है और डबल डोज ऑफ हैप्पीनेस की बात है तो हमारे पास है आपके लिए डबल डोज ऑफ ईद एंड हैप्पीनेस इज़ देयर फॉर यू। हमारे यू मस्ट बी सीइंग हमारे यहाँ दो, यहाँ पे आज हॉट सीट्स लगी हुई हैं, इसका मतलब है हमारे पास दो गेस्ट हैं, दो स्पेशल गेस्ट हैं हमारे पास जिनको आप देखना चाहते हैं। वो कहते हैं ना दीद और ईद, अगर आप किसी को मिस कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हैं और उनको देखना चाहते हैं और आपको उनकी दीद नसीब हो जाए तो वो भी ईद हो जाती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही मामला है, वी हैव टू वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट्स फॉर यू। आप उनको स्क्रीन पर देखते हैं, आप उनको बहुत पसंद करते हैं, यू गिव देम अ लॉट ऑफ लव, दे आर वेरी फेमस पर्सनैलिटीज, अकम्पलिश्ड एक्टर्स भी हैं, इसलिए आप उनका काम पसंद करते हैं और वैसे भी उनको पसंद करते हैं। और इंडस्ट्री में लव बर्ड्स के नाम से वो मशहूर हो गए थे, लेकिन ये लव बर्ड्स का क्या हुआ, क्या वो लव बर्ड्स जो हैं अलग अलग कहीं उड़ गए या अभी तक इकट्ठे हैं? वेल, दे आर स्टिल टुगेदर और दे गॉट मैरिड और उनकी बहुत प्यारी सी बेटी भी है। सो ये दोनों हमारे पास आज के स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल बात ये है कि आपने उनको स्क्रीन पे तो बहुत देखा है लेकिन कभी वो किसी शो में इकट्ठे नहीं आए, तो स्पेशल है, ईद है, डबल डोज ऑफ हैप्पीनेस है आपके लिए है। तो आज वो पहली बार ऑन अ शो टुगेदर यहाँ पे आप उनको देखेंगे, तो प्लीज वेलकम एमन एंड मुनीब बट, प्लीज वेलकम देम। ना गले मिल सकते हैं ना गले पढ़ सकते हैं, आइए ईद मुबारक, ईद मुबारक। आजकल तो वर्चुअल सब कुछ हो रहा है ना, मार मार गले शले, यू नो, तो क्या हाल है आप लोगों के? जबरदस्त माशाल्लाह, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू जबरदस्त, सो आर यू। थैंक यू। है ना, क्या हो रहा है भाई आजकल? बस लॉकअप में के लॉकडाउन में कुछ जगहों पे बिल्कुल इसका ऑपोजिट असर भी हो रहा है ना, चिक 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 वो भी तो चल रही होगी ना कहीं, करते करते ये सारी बातें करते हैं। प्लीज वेलकम, बैठे, वेलकम अगेन टू द शो। आप इन दो सीट्स पे, बाकी इन पे आके बैठना ये एक आर्ट है, बिकॉज इट टुक मी आई थिंक अ कपल ऑफ वीक्स इसके ऊपर बैठ के यू नो आराम से और उसके बाद उसको यू नो के कंट्रोल में कर लेना और यू नो द मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग, बड़ा टाइम लगा मुझे, बट यू गाइस आर वेरी स्मार्ट कि आप लोगों ने कुर्सी को काबू कर लिया, मुस्तकिल मिजाज, स्टेबिलिटी है ना। और कुर्सी आपको पता है बड़ी ऐसी चीज है जो काबू में नहीं रहती, नहीं रहती और ना टिकने देती है अपने ऊपर बैठे हुए लोगों को, आपने देखा ही होगा। सो व्हाट इज हैपनिंग दीस डेज? टोटल वो क्वारंटीन की बात हो रही थी, ठीक है बताओ 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 और असली वाली बात बताओ। आई थिंक हमने हम इंजॉय कर रहे हैं अपना फैमिली टाइम सबसे पहले, मैं अमल और मुनीम हम काफी इंजॉय करते हैं, उसके अलावा हम अच्छे अच्छे खाने बना रहे हैं। वो तो लग रहा है आप लोगों के वेट से कुछ हमें भी भेजें। वैसे मैं अभी आपको यही कॉम्प्लीमेंट दे रहा था कि बड़ी बात है कि आपने इस टाइम में भी अपने आप को मेंटेन करके रखा है, वरना हम लोग तो, मैं सिंगल हूँ ना, लव बर्ड्स नहीं हूँ आप दोनों की तरह, हम बड़े हाइजेनिक फूड खाते हैं, हम बहुत ऑयली नहीं खा रहे, बट यू नो मुनीब और है ही नहीं कुछ करने को, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको भूख लगती है। मैंने हर जो जो मेरे रेंज में था जो मैं कर सकता था ट्राई, मैंने वो बनाया है, हमने
मटन की बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई की, बारबेक्यू तकरीबन कितनी दफा किया है, हर हफ्ते हम बारबेक्यू, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, बस ऐसी चीजें खानी है जो ग्रिल्ड हो, तो ऊपर प्रॉपर हमारे आई थिंक दो दिन बाद एक बारबेक्यू सेशन होता है, मुनीम टिक्के बनाते हैं, मुनीम बोटियां बनाते हैं, साथ बातें बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, पता नहीं क्या कुछ बहुत अच्छे अच्छे खाने करने के लिए। मुझे लगता है बारबेक्यू जो है ना वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपने उसमें आहिस्ता आहिस्ता, और हम उसको बनाते भी बहुत स्लोली हैं, एक चीख के ऊपर दो बोटियां लगा के बैठ जाओ, बहुत टाइम है हमारे पास करने ही कुछ नहीं, 8 बजे स्टार्ट करते हैं, 3 बजे तक आराम से बना के खा के, लगता है सारा दिन वेस्ट नहीं हुआ, बड़ा काम किया है, थकावट होती है तो नींद आती है ना अच्छी, अब सो रहे सोते सो के बंदा थक जाता है, हाँ ये भी है, आराम कर करके थक जाता है, आराम कर करके थक गए इसलिए आराम कर रहे है ना। आपको ये जो बलून हमने लगाए ये सिर्फ ईद की वजह से नहीं लगाए, मैं आपको बताता हूँ, वो हुआ ये था कि यारियां के हम सेट पे थे तो फुल मतलब कि इतना इंटेंस सीन चल रहा था, उसका बिल्कुल क्लाइमेक्स था, और मोमल सामने खड़ी हुई थी, मैं मेरी कोई सेकंड या थर्ड टेक होगी, और वो शॉर्ट चेंज हो रहा था, सीन था शायद, टू शॉर्ट से सोलो पे जा रहा था, शिफ्ट हो रहा था कैमरा, तो इतना इमोशनल सीन, और मैं रो रो के, और बजाज भाई जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था कि बस तुमने ना अपने उसमें रहना है, तुमने निकलना नहीं, क्योंकि मेरी आदत है मैं बहुत ही कोई जोक्स क्रैक करता हूँ, अब मैं रो रहा हूँ, मेरी आंखें सूजी हुई हैं, मैं यूं करके मैं वो लाइन रिवाइव कर रहा हूँ, एकदम मैं माइक लगाते लगाते मोमल ने बोला माइक की पिन, मोमल ने ENG के लड़के को बोला तुमने माइक की पिन खोल के दी है वो लग जाएगी उसके, अल्लाह मैंने खैर है कोई बात नहीं, मैं कौन सा गुब्बारा उसे फट जाऊंगा ये वो गुब्बारे हंस-हंस के, अब यूं अलग हूं सब गुब्बारा जो पूरा जो सीन है जो मुश्किल था रोने धोने वाला वो सारे सब हंसना शुरू हो गए, वो सब गुब्बारे फटने शुरू हो गए, इसलिए मैंने ये गुब्बारे लगाए थे लगवाए थे आज, मैंने कहा सब हंसना शुरू हो गए, मैंने यार आती हुई कॉमेडी नहीं रची आत्या हुआ जोक नहीं, ही हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड अच्छी बहुत जरूरी है सेंस ऑफ, लेकिन अब मैंने अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया कि इपमन को मेरा ह्यूमर जो है वो बड़ा लीथल लगने लगा, घर वाली बात है ना, घर की मुर्गी तो वो हर वक्त नहीं लीथल लगने लगा है, अच्छा ये क्यों अपन में लगता है, बाटो बाटो लग सी बाटो दे झूठ ना बड़ा झूठ, ये कैसे मना के ले आए इसको, इतनी बोरिंग कहानी है, मैंने इसने मुझे पसंद किया, मैंने इसको पसंद किया, हमने घर पे बताया और बस, और वो मान गए, ओह माय गॉड दिस इज सो बोरिंग, दिस इज नॉट ट्विस्ट, कोई ट्विस्ट नहीं था, कोई ट्विस्ट नहीं ये, और 2 महीने के अंदर मतलब मेरा और एमन का रिलेशन स्टार्ट हुआ उसके राइट आफ्टर 2 मंथ्स हमारी जो है वो बात पक्की होके मिठाइयां भी चल गई, हो गई, कुछ समझ ही नहीं आया ना, तो रिलेशनशिप में हमने शादी के बाद स्टार्ट, प्लानिंग जो थी ना मेरी बड़ी पक्की थी, पक्का प्लान, ये मेरी प्लानिंग बड़ी पक्की होती है, तो मैंने उसको बताया था कि ये बातें करनी है, ये बातें नहीं करनी, स्क्रिप्ट तैयार थी, स्क्रिप्ट पक्की, इसका मतलब है स्क्रिप्ट पक्की थी, इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ ना, स्क्रिप्ट पक्की है ना, बिल्कुल, वैसे तो मैं यही सोचती हूँ कि कुछ भी ट्विस्ट नहीं था, नहीं ट्विस्ट इस वजह से नहीं था, मैं आपको बताऊँ क्योंकि यूजुअली जो है ना हमारे यहाँ एक कल्चर है कि लड़के क्या करते हैं जब लड़के लड़कियों का आपस में रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, मैं सबको ये बात कहता हूँ कि बोलते हैं नहीं यार मुझे तो अभी टाइम चाहिए, मुझे तो अभी कुछ बनना है, 22 साल की उम्र में मैं भी उस वक्त कुछ नहीं था, मैं स्ट्रगल कर रहा था, हमारा पहला ही ड्रामा था किसी के साथ, तो मैंने बोला यार स्ट्रगल होती रहेगी, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो फिर ये डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होते, कट्ठे मिलके भी चल सकते हो, आप अपने घर वालों को बताओ, आप एंगेजमेंट करो, आप निकाह कर लो, बहुत किया साल उस दिन हमने जब अभी तो 3 दिन पहले के बाद मटन लग गया, खाना ही है मतलब यार मैक्सिमम लड़ाई हमारी खाने की है यार, बांटे वो मतलब के खाने में आज ये बना लो, नहीं ये नहीं ये बनेगा, मेरा नहीं मैं तो ये बन मैं तो ये कहूंगा, मैक्सिमम लड़ाई का टॉपिक है, अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के कोई लड़ाई हमारी आदमी लड़ाई लड़ाई नहीं इन द सेंस कि वो जो फ्रेंड्स में वैसे भी यू नो कई दफा बोरियत में बनता यू नो नहीं हम अमल के साथ बड़ा हमारी मैक्स हमारा कोई हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं लड़ने का उसके साथ यू नो उसके साथ गुजर जाता है। अच्छा वैसे क्वारंटाइन में मैंने देखा एमन की पर्सनालिटी में यूजुअली बहुत से लोगों की पर्सनालिटी बहुत चेंज हो गई है इस पिछले 40 दिनों के अंदर, एमन की भी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो गई, क्या हुई है मतलब पहले थोड़ी सी हाइपर और शॉर्ट टेंपर से, लेकिन अब सेटल डाउन और बड़ी पोलाइट हम्बल हो गई, ये जो अभी ये वाला सिलसिला क्वारंटाइन का इसके अंदर तो क्वारंटाइन स्टार्ट होने लगा था, मैंने मुनीम को आके कहा था, मैं अपने घर गई थी रहने, मैंने मुनीम
यार 10 दिन, अब उस वक्त तो 10 दिन हाँ 10 दिन थे, मैंने कहा मेरी 10 दिन है और साथ बिल्कुल घर में रहना है। अच्छा तुम बाहर भी नहीं जा सकते, कोई बात नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि लड़के आप दोस्तों में बाहर चले जाओ, बाहर भी नहीं जा सकते, मैक्सिमम दूसरे कमरे में जा सकते हैं, दरवाजा यूं मार के जो यूं करके निकल जाते हैं। लड़ाई होती है हमेशा से ऐसी होती है, 5 मिनट की हुई उसके बाद खत्म, भूल भी गए ना, पता ही नहीं यहाँ किस बात पे। और इसके अंदर कोई चेंज देखा तुमने ओवरऑल? वैसे कोई चेंज नहीं मुनीब, मुझे तो लगता है जैसे मुनीब को मैंने पहली दफा देखा था ना, मिल रहे थे हम लोग, वो मुनीब एज इट इज ऐसे वैसे, कोई ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू नो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, स्क्रिप्ट हमारी पक्की होती है हमारी। हां ये मुझे आपको पता है स्क्रिप्ट मेरी पक्की होती है। तो क्या आई मीन क्या पका आज घर में, क्या डिसाइड हुआ? यार ईद के ऊपर तो वैसे हर चीज ही बन रही होती है हमारे घर में, तो बहुत चीजें बन रही हैं, दो दो तीन तीन डिशेस हैं, बिरयानी भी होगी साथ अपना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, तो क्या क्या चीजें मेंशन करें, बहुत सारी चीजें। तो व्हाट डू यू लाइक, दो दो तीन तीन मेन्यू ज्यादा पसंद है? मुझे नहीं पसंद, मुझे सिर्फ चॉकलेट केक पसंद है, इसको भी हम लोगों का इतना मीठा नहीं खाती है, मैं तो खैर खाती ही बहुत कम है, लेकिन मैं यूजुअली मीठा बहुत बहुत कम, चॉकलेट बस सिर्फ चॉकलेट के ही, वो भी डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट 70%। बहुत कम लोग हैं जिनको चॉकलेट एज अ चॉकलेट नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, तो लोग आपको नहीं पसंद? नहीं, और लोग ऐसे हो जाते हैं क्या यार आपको चॉकलेट नहीं पसंद, सीरियसली यार जैसे हो गई है, नहीं यार ये तो बहुत गलत बात, थोड़ी कभी कभी खा लेती हूँ, चॉकलेट नहीं पसंद है, चॉकलेट तो आपको पता है लड़कियां तो लड़कियों की फेवरेट चीज होती है चॉकलेट, नहीं पसंद यार, सॉरी माफ कर दो यार, वैलेंटाइन डे के ऊपर, वैलेंटाइन डे के ऊपर तो सबसे ज्यादा बिकती है चॉकलेट, चॉकलेट बिल्कुल सही है, वही हमारे पास आती है फिर हम उसको आगे पास ऑन कर देते हैं। चलो अच्छा ये जरा देखो, ये हमें वहां से ऑर्डर्स आ रहे हैं फ्रॉम आवर कंट्रोल रूम, क्योंकि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अच्छा तो ये स्क्रीन पे देखो एक सवाल आएगा, इसके आगे चार आपके पास ऑप्शंस हैं, उनमें से आपने एक सही जवाब की ऑप्शन चूज करनी होगी, आपके पास 3 लाइफलाइंस मौजूद हैं और 2 जवाब दीजिए, यानी कि आप 1 जवाब की जगह 2 जवाब मेरे पास लॉक करा सकते हैं, फिर है जी करोड़ों की कॉल इफ यू वॉन्ट टू कॉल समबडी फॉर हेल्प, लाइक पुलिस के अलावा किसी को भी बुला लीजिएगा, किसी को फोन कर लीजिएगा। अच्छा तो सवाल भी हम आपका चेंज कर सकते हैं, अगर मुश्किल सवाल आया तो हम उसको चेंज कर देंगे, उसकी जगह कोई और मुश्किल सवाल आ जाएगा। ये है जी हमारे पास गिफ्ट मंजिल है, ऐश मंजिल है, कैश मंजिल है। शुरू हम करेंगे, पहले सवाल सही जवाब 5000 कैश हे की तरफ से, दूसरा सवाल ज्वेलरी सेट ये हैश जूलर्स की तरफ से, तीसरा सवाल वी हैव अ ब्रांडेड वॉच फॉर यू रिबेल की तरफ से, चौथा सवाल 40 इंच LED आइसटेक की तरफ से। गिफ्ट मंजिल के बाद हम जाएंगे ऐश मंजिल की तरफ, 5वां सवाल सही जवाब और गिफ्ट मंजिल के आप सारे इनाम जीत लेंगे, 6वां सवाल 150,000 कैश, 7वां सवाल 250cc बाइक, 8वां सवाल लग्जरी बेडरूम सेट, ये हो गई जी ऐश मंजिल, फिर हम कैश मंजिल की तरफ जाएंगे, 9वां सवाल उमरा पैकेज फॉर 2 पीपल और ये वैलिड रहेगा क्योंकि अब तो आज तक हम कहीं कोई कहीं नहीं जा रहा। अच्छा 10वां सवाल 30 तोला सोना, 11वां सवाल वी हैव अ डायमंड सेट फॉर यू, 12वां सवाल मर्सिडीज एंड 13वां सवाल आप जीत सकते हैं अपना पार्टनर। तो ये है जी, क्या व्हाट आर यू सेइंग? मैं कह रही हूं क्या चाहिए, मुझे बताओ, मैं खेल के जीतती हूं ना, तकरीबन काफी सारी चीजें उसमें से चाहिए हैं बस ठीक है जाने फिर तो शुरू करें। कौन है जरा आप दोनों में से कौन लगता है आप, कौन लगता है आपको, आप अपना आई थिंक स्टार्ट विद मुनीब आई वुड से। नहीं नहीं स्टार्ट क्या, आप दोनों टीम है, यू नॉट प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर, ओके इकट्ठे टीम वर्क, ठीक है पहले मुझे बता देना स्क्रिप्ट 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 के साथ रहना है, स्क्रिप्ट पक्का है ना। अच्छा जी अभी हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास कुछ सवाल भी आए हुए थे यू नो व्हेन वी सेड कि दीस टू आर कमिंग, तो एक तो वन ऑफ योर फैंस वाज आस्किंग कि यू हैव बीन अवे स्क्रीन से काफी अरसे से अवे हुई भी हो, उसकी क्या वजह है और हम आपको वापस स्क्रीन पर कब देख सकेंगे? आई थिंक अभी तो नहीं, अभी अमल बहुत छोटी है, अमल ही वजह है obviously, बहुत छोटी है अभी, मैं उसको थोड़ा you want to look after the baby, हाँ obviously, हाँ बहुत अभी तो अभी तो बहुत छोटी है, अभी तो मैं सोच भी नहीं रही, सोच भी नहीं सकती। Being twins, मुझे तुम दोनों के कभी क्योंकि शायद आपने भी मिनाल के साथ काम भी किया फिर भी नहीं नहीं मुझे नहीं मुझे तुम भी कोई लगते रही हो लाइक आई वो मुझे याद है एक्चुअली मुझे याद है मैं ब्रिस्टल होटल में आई थी कर रहे थे मैं आई थी मुझे कहती तुमने चेंज कर लिया पैकअप हो गया क्या मैंने कहा नहीं मैं मैं हूँ वहाँ से मिनाल चलती हुई आ रही है वो कहती हूँ माय गॉड मैं कंफ्यूज हो गई तुम लोगों को देख के आप नहीं बैठा नहीं मैं अब तो आई थिंक डिफरेंशिएट करना बहुत ईजी है लेकिन पहले थोड़ा मुझे तो लगता है कि एक एज आई थी जब वाकई मिनालों में बहुत सेम लगने लगे थे लेकिन बचपन से लोगों ने देखा हुआ ना सेम सेम तो माइंड में दैट इज समथिंग यस जो रोज देख रहा है जिसको पता है
तो लेकिन जिस नहीं पहचानते लोग हमें स्कूल में भी एमन मनाल एक ही को दोनों नाम से बुला लेते थे तो क्या बंदा वो पूरी कहानी सुनाए नहीं बट हैज कभी ऐसी कोई मजे का वाकया हुआ जिसके अंदर बिकॉज यू नो कितने सारे प्रैंक्स इंसान आप लोग कर सकते हैं ना बिकॉज शक्लें मिलती है नहीं प्रैंक्स नहीं किए शूट्स किए शूट्स भी किए लेकिन अभी नहीं बहुत पहले बचपन में वो भी जब कमर्शियल्स वगैरह करते थे तब बस उसके अलावा नहीं उसके अलावा नहीं अच्छा ये टंग ट्विस्टर आया है कंट्रोल रूम से वहां पे जो लोग हैं हमारे आउट ऑफ कंट्रोल ही रहते हैं शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर ये बहुत पुराना है बचपन का तेरा बोला शी सेल्स मैं तो बोल लूंगा इमन से देखने शी सेल सी शेल्स घर जाके प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट ईयर आएंगे फिर पक्का करके घर जाके प्रैक्टिस करेंगे ये जरूरी है मैं ये बोल दी मैं कच्चा पापड़ पक्का ये भी नहीं बोल पाऊंगी मुझसे नहीं इतनी तेजी से बोलता कोई बात नहीं घर में तो तुम बहुत तेजी से तो जब ये बहुत ज्यादा तेजी से बोल रहा होता तो तुम उसको समझ आ जाती बीच में ऐसा हुआ था मुनीम ने ना बहुत तेज तेज बोलना शुरू किया था मैंने कहा मुनीम स्टॉप मुझे समझ में नहीं आती मैं तेज बोल रहा हूँ मैंने कहा बहुत स्पीड से बोल रहे हो मुझे कभी कभी ऐसा होता ना क्या बोलते बोलते समझ ही गया क्या बात की मैंने आप में बोल जाते हैं तुम्हें लेकिन ये मुझे लगता है रिलैक्स्ड है यूं है और एनर्जी यू नो हम दोनों ही एनर्जी है लेकिन मुझे लगता है कि बोलने में ना क्लियर होना चाहिए मुझे समझ में आया कि क्या बोल रहे हो हाँ ये भी है कुछ है हाँ बाकी लोग वी हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स एक तो जब बोलते हैं तो मुझसे एक शावर निकलता है मुझे याद है मैं सनम चौधरी सनम कुछ भी बात कर जाती थी बोलती रहती थी मैं कहती थी क्या बोला है सनम तुमने वो पूरी बात कर वो कहती थी अच्छा मैंने कुछ और बोला उसे याद उसे समझ नहीं आता था कि उसके मुंह से ना कुछ और निकल गया जल्दी 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 तुमने बोला क्या है हाँ ये होता है होता है ये कुछ समझ नहीं आती और आप हर वक्त वो उसको डिकोड ही करते रहते हैं कि ये क्या बोला था और उसका जवाब क्या देना है ना और आपसे ही बात हो रही है मुझे समझ नहीं आई तो यू राइट ओके अच्छा ओके हम स्टार्ट करते हैं गिफ्ट मंजिल से और जो पहला सवाल है दैट इज 5000 कैश और ये आपकी स्क्रीन्स पर आएगा अब मशहूर लॉलीवुड फिल्म मौला जट किस सन में रिलीज की गई थी आपके ऑप्शंस हैं 1978 ऑप्शन बी इज 1979 ऑप्शन सी इज 1981 एंड ऑप्शन डी इज 1983 नासिर अदीब साहब ने ये पिक्चर की थी और ये एक फादर हैं लीजेंड बन चुकी है लेजेंड्स अब तो वो आ रही है लेजेंड ऑफ मौला जाट जी बिल्कुल मौला नहीं मरदा इसमें यही है ना नवा है सोनिया अच्छा इसमें एक ये ब्लैक एंड व्हाइट में थी और कलर सिनेमा जो था ना हमारा 80s में स्टार्ट हुआ था आई थिंक 19 नहीं नहीं इसमें 70s में ही है ये अभी 78 और 79 हां लेकिन 79 दोनों करीब करीब डेट्स हैं चलो ये तो पता ना कि इन दोनों में सही 78 और 79 में से क्योंकि 80s में लेकिन जवाब कलर सिनेमा स्टार्ट हो गया था या 79 में आई थी क्योंकि नहीं पता क्या एक क्योंकि इसके ना दो वर्जन है एक कलर वर्जन भी है जो बाद में रिलीज हुआ तो आई थिंक 79 में ही आई होगी क्योंकि उसके फॉरेन बाद से जो ना कलर सिनेमा आना स्टार्ट हो गया था 79 आई थिंक 79 में लॉक करें इसे लाइक फाइनल आंसर हां लॉक कर दें 79 में ही आई होगी इतनी डिस्कशन के बाद तो लॉक हो जाना 79 में आई होगी लॉकडाउन कर दें इसका इसको क्वारंटाइन में डाल दें इस जवाब को ऑप्शन बी 1979 इसको लॉक कीजिए और बताइए हमें इज दिस द राइट आंसर और नॉट 1978 गलत और 1979 सही गलत बट हैव यू सीन इट हैव यू सीन दिस फिल्म या तो इसमें से अगर कैरेक्टर करना पड़े तो व्हिच कैरेक्टर वुड यू लाइक टू मैंने इसमें पूरी नहीं देखी मैंने उस वक्त देखी थी जब मैं बहुत छोटा था और अब्बू देख रहे थे तो मैंने उनके साथ लग के थोड़ी सी देख ली थी बट अगर कोई कैरेक्टर करना पड़े तो ऑब्वियसली सुल्तान राही का ही कैरेक्टर वाज अ हीरो और बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर कर लोगे वो गंडासे वगैरह नहीं हम उसको अपने वर्जन में करेंगे अच्छा जी इंग्लिश में
उसके वो जो बने हुए वीडियोस भी बनी हुई है, बड़े मजे की बनी हुई है, जो इन सीन्स के ऊपर अंग्रेजी डबिंग उन्होंने की हुई, दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। पंजाबी, कैन यू स्पीक पंजाबी और नॉट? आई कैन अंडरस्टैंड पंजाबी वेल, बट स्पीकिंग पावर इज वेरी लो, बिकॉज़ यूजुअली घर में वी डोंट स्पीक पंजाबी, हम उर्दू में ही कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। ऐसा फिल्म करने का मजा फिर पंजाबी मुझे आती है, समझ में आती है और बात भी है, लेकिन स्पीकिंग पावर नहीं, क्योंकि बोलते नहीं। हां वो तो खैर, उसके बाद फिर यू नो, बट मैंने सुना है स्पेनिश बड़ी अच्छी बोलती है आपकी बेगम। स्पेनिश नहीं बोलती, स्पेनिश समझती हूं। स्पेनिश समझती भी है, स्पेनिश लैंग्वेज सुन के इसको बहुत खुशी महसूस होती है। मुझे अच्छा लगता है, कुछ लैंग्वेजेस लाइक है ना, पश्तो बहुत पसंद है, इसको इसके कानों में जो बोलती हुई स्पेनिश बहुत समझ नहीं आ रहा मुझे। कुछ चीजें होती हैं हमें सुनने में भी अच्छा लगना चाहिए, समझ जल्दी से तुम्हारी बात, जैसे मराठी आप देख सकती है, समझ आ रही है मराठी आप नहीं देख, मैं नहीं देख सकती हूं कि मुझे वो लैंग्वेज नहीं अच्छी लगती, मुझे मराठी, हां मराठी, मैं नहीं देख सकती वो लैंग्वेज ना, दूसरा सवाल इज फॉर अ ज्वेलरी सेट और गिफ्ट मंजिल का दूसरा सवाल, इट विल कम ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। ईद की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 6, ऑप्शन डी इज 8। ये तो बहुत आसान है, नहीं बहुत आसान है, ये तो आसान है। दो रकातें होती हैं और 4-5-6 तक भी होती हैं, पर ये सवाल रकातों का है ना, रकात तो दो होती हैं, दो होती हर साल हम पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 2, इसको लॉक कीजिए, दो ही तो, ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, एंड लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर। A is the right answer. ये तो बहुत ही easy question. अभी आहिस्ता आहिस्ता। ये jewelry तुम जो है ना एमन मुझे दे दो। अभी इसको हम hot series से कहते हैं कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता आसान सवाल, उसके बाद फिर हम temperature बढ़ता रहता है। फिर आगे temperature हम जो है ना वो बढ़ता रहता है। चलेंगे चलेंगे आगे चलेंगे इसमें। जी। चलेंगे। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। It's a branded watch के लिए सवाल है। Gift मंजिल का तीसरा सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन्स पर अब। मुनीब बट की फिल्म हल्ला गुल्ला किस सन की ईद उल फितर पर रिलीज की गई थी? ये सवाल किसने निकाला? मैं बगैर ऑप्शंस के बता सकती हूँ। 2015 में थी यार, 2015 में थी। नहीं सोच लें जरा। नहीं यार, नहीं भूल। 2015 सवाल किसने निकाला? ये सवाल किसने? अच्छा, so how was your experience working in that film? और क्या था वो? मैंने वो फिल्म नहीं देखी भी, तो what was your experience and क्या? पहली दफा जिंदगी में मैंने काम किया था as an actor. उस वक्त मेरा acting फर्स्ट सेकंड थर्ड असाइनमेंट था एज एन एक्टर, तो उससे पहले मैंने कुछ किया भी नहीं था और मूवी चली, चल के चल गई। किसकी थी हल्ला गुल्ला? वो किस यार, कामरान अकबर ने डायरेक्ट की। अच्छा अच्छा अच्छा, बट नहीं, बट इट्स फाइन। व्हाट आई मीन इज के एक्सपीरियंस तो आपको, यू नो, फॉर एज एन एक्सपीरियंस आप अच्छा काम भी करते हैं। एक्सपीरियंस उसमें हुआ, उसमें सॉन्ग्स थे बकायदा, और उसमें सॉन्ग्स थे, उसमें म्यूजिक वीडियोस थी, मतलब सॉरी ये सॉन्ग्स थे और उसका कंटेंट, उसमें कुछ जो पार्ट था उसका वो बैंकॉक में शूट हुआ था, तो इंटरनेशनल ओवरऑल एक एक्सपीरियंस भी था, तो था ना उसके अंदर, और यहाँ पे भी हुआ था, तो एक एक फिल्म का एक डिफरेंट ही होता है कि एक दिन में दो सीन्स हैं, उसकी तैयारी है, सब चीज़ें। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर ड्रामे के सेट पर भी हों तो तब भी सिर्फ दो सीन्स ही होते हैं। इतना दो तो बहुत ही ज़्यादा ज्यादा हो गए। आपके बारे में मशहूर है कि आप बहुत कम टाइम देती हैं। बहुत कम, मैं तो आती नहीं हूँ सेट पर। कम से कम सीन्स कराती हैं आप। आपके बारे में बड़ा मशहूर है कि आप कम सीन्स कराती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे कराती हैं। अच्छी बात है, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं ना करते, इसलिए क्वालिटी नहीं हो जाता है। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लंबे चल जाते हैं, बट यूजुअली पहले होता हो, अब तो काफी मैनेज्ड है। मैंने तो नहीं सुना किस तरह होता है। कुछ लोग हैं जिनके वैसे डिलेज होते हैं थे, लेकिन अब सब चीजें यू नो टाइम के साथ आपको आदत हो जाती है। आपको आदत हो जाती है बेसिकली। अच्छा कोई गाल नहीं, ठीक है। अच्छा क्या आप आर यू श्योर कि 2015 था? जी बिल्कुल, ये साल में ये कैसे भूल सकते हैं? ये साल मैं नहीं भूल सकता। नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते। इज दिस योर फाइनल आंसर? यस। डबल लॉक कीजिए, दोबारा रिलीज ना हो बस। ना हो 17-18 में, पहली दफा रिलीज तो 15 में ही हुई थी। वो कौन सी फिल्म थी जो आई है लगी और अगले दिन ही तकरीबन उतर गई थी? वो देख मगर प्यार से, या
वांट कोई ऐसी फिल्म भी थी ब्लाइंड लव काम किया तो मुझे भी पता है कि मेरा अच्छा काम कौन सा है या यू नो मीडियोकर काम कौन सा है या यू नो नहीं अच्छा और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ भी काम किया जो आप पे एक्सपेरिमेंट एक्चुअली कर रहे हैं यू नो नए लोग विद डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स तो वो आपके ऊपर एक्चुअली यू नो एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे होते हैं और वो आके प्लीज एक तो वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पहली दफा आप मिल रहे हैं आपको नहीं पता या शायद मिल भी नहीं रहे फोन पे बात कर रहे हैं प्लीज आप मेरे लिए ये काम कर दीजिए अरे भाई तुम हो कौन मैं लाइक फेवर क्यों आई मीन लाइक नॉट दैट मैं ये नहीं करना चाहती बट ये कैसे कहते हैं आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस आई कि आपको मैं बिल्कुल नहीं जानती मैं आपका काम नहीं देखा हुआ या मैं आपको बिल्कुल नहीं आई जस्ट डोंट नो स्क्रिप्ट कुछ नहीं पता मुझे और वो जो फेवर मांगते हैं वो कैसे मांगते हैं लाइक उनमें हिम्मत कैसे होती है कहने की मेरे लिए कर दें नहीं तुम कौन हो लाइक क्यों फिर आई रियलाइज और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ नए लोगों के साथ भी काम किया विच इज़ गुड और यू नो करना भी चाहिए तो मैंने कहा अगर मैं इसी तरह लोगों को फेवर्स दूंगी तो जो वाकई डिजर्व करते हैं शायद मैं माई फ्रेंड वुड वांट अ फेवर फ्रॉम मी तो मैं उसके लिए क्या करूंगी सो माई फेवर्स हैव टू बी अगर कोई फेवर आप कर रहे हैं या इवन पैसे कम कर रहे हैं या एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं तो वो कीमती होना चाहिए लाइक आई वॉन्ट टू अगर आई एम डूइंग इट फॉर दिस पर्सन एज वेल और मेरी दोस्त आके कह रही है कि भाई डू दिस फेवर फॉर मी तो वो एक जैसी बात हो जाती है सो कहना सर नहीं थोड़ा सा आपको लर्न टू से नो भी होना चाहिए कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू डू इट बट तो मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी कि ऐसी फिल्म्स आई हैं जो जब आप फिल्म बनाते हैं जो भी फिल्म बना रहा होता है राइटर डायरेक्टर और कुछ डायरेक्टर्स हैं जो लिखते भी हैं उनकी कोशिश होती है उसमें काम भी कर लें ड्रामों में भी ऐसा होता आया है वो फिल्म को एडिट भी करते हैं और एडिटिंग एक लंबा प्रोसेस है इसमें बार 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 आप उस चीज़ उस कॉन्टेंट को देखते हैं तो तब भी आपको डर नहीं लगता या ऑफ नहीं आता कि ए में किए और फिर उसका प्रीमियर भी होता है फिर आप उसकी तारीफें भी करते हैं और फिर आप उसको रिलीज भी कर देते हैं फिल्म को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लग रही होती है कि अच्छी है मतलब कुछ मूवीज ऐसी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मन को नहीं बेसिक जैसे होता ना बेसिक एक हमारा अब जैसे डबिंग के इश्यूज हैं बेसिक डब नहीं है प्रॉपर लिप सिंक प्रॉपर नहीं हुई ये तो बेसिक इशू है लेकिन अब वो हो नहीं सकते ना सही फिल्म कंप्लीट हो गई फिल्म एडिट हो गई अब दोबारा से थोड़ी जाएंगे वो सीन करने के लिए ओवरऑल भी आप फिल्म को देखते हैं ना कि वो नहीं आपको पता है कि मैं ये नहीं कह रही कि आपको कॉमेडी पसंद है और मुझे ट्रेजेडी पसंद है तो जी नहीं पसंद आई बट कई दफ़ा वो इतनी नॉनसेंसिकल इट्स नॉट मेकिंग सेंस उस तरीके से शूट हुई होती है कि आप कहते हैं कि ये क्या क्या अच्छा जी ऑप्शन बी को आप लॉक कर दें क्योंकि ये कह रहे हैं कि 2015 है तो चलें ऑप्शन बी को लॉक कीजिए और हमें बताइए कि ये जवाब सही है या सही है और ये जवाब सही है आई टोल्ड यू बिल्कुल सही जवाब चलो होता ना याद है माजी अजाब है यार छीन ले मुझसे हाफजा मेरा चौथे सवाल की तरफ चलते हैं वी हैव अ 40-inch LED वेटिंग फॉर यू और ये चौथा सवाल गिफ्ट मंजिल का आएगा आपकी स्क्रीन्स पर अब सवैया तैयार करने के लिए इन ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है ऑप्शन बताओ चीनी बेसन मैदा गन्ने का रस गन्ने का रस तुम लग रहा है मुझे बहुत जरूरी चीज होती होगी है भाई सवैया बनाने का रस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका कोई डिजर्ट बनाने सिवैया बनाने के लिए आई थिंक दूध भी हो सकता है नहीं ना सिवैया आई थिंक जो अच्छा सिवैया नॉर्मल सिवैया मतलब बगैर मैदा मैदा मैदे की तो मैदे की होती है तो मैदे से ही मतलब बेसन की थी पता नहीं है मैं कंफ्यूज हो गई हूं मैदे की होती है आई थिंक मैदे से ही बनते हैं क्योंकि ये डिजर्ट नहीं है ना कोई मैदा सवैया नॉर्मल नॉर्मल सवैया मैदे की बनती है नॉर्मल सवैया नहीं नॉर्मल सवैया मैदे मैदे को लॉक वो तो फिर जब तुम कुछ बनाओगे सवैयों का कुछ और ही बना दोगे तो वो एक नॉर्मल कुछ मैं कंफ्यूज हो गया था मैंने सवैया डिश या खाली जो सवैया खाली सवैया तो मैदे की बनती है
ऑप्शन सी को लॉक कर दे, फिर मैदे को कर दे। ऑप्शन सी मैदा, इसको लॉक कीजिए। लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर। सही जवाब है, ये बिल्कुल सही जवाब है। बेसन के तो पकौड़े होते हैं। यस, मैं इसी चीज में कंफ्यूज हो रहा था कि बेसन या नहीं, मैं बेसन और मैदे में से कोई दो हो सकेंगे। ओके जी, गिफ्ट मंजिल आप दोनों ने मिलकर तय कर ली है और बड़े मुश्किल सवाल थे, खासतौर पर सवैया वाला बड़ी इंफॉर्मेशन ऐड हुई है। मैं तो आज तक बेसन की समझ रही थी। एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आएंगे और फिर ऐश मंजिल की तरफ। स्टे विद अस। ब्रेक और ये अभी तक मेरे पास मौजूद है। ईदी क्या मिली भाई? ईदी मिली नहीं, ईदी गई है। अब तो खैर बड़े हो गए, अब तो हम देने वाले हो। एमन को तो मिली ऑब्वियसली। ईदी तो मैंने अपनी फिक्स की हुई है, बहुत बढ़ा देती हूं। नो नो नो, बढ़ा देती हूं। हां, डबल हो जाती है। कैसे? जो भी है हमारा नेक्स्ट ईयर डबल ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा हालत हमेशा से जो है वो यदि बांटने वाले रहे पिछले 2-3 सालों से। हाँ। और बांट ही रहे। हाँ। अब डबल हो रही है, टैक्स लगता जा रहा है उस अमाउंट के ऊपर। इन्फ्लेशन आ रही है। इन्फ्लेशन हो रही है। अच्छा जी, ऐश मंजिल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल है और इसका सही जवाब और आप जीत सकेंगे गिफ्ट मंजिल के सारे इनाम। पांचवा सवाल है ये और आएगा आपकी स्क्रीन पर। आप तीनों लाइफ लाइन के लिए आपके पास इंटैक्ट है। 2018 के दिसंबर में पाकिस्तानी सूफी रॉक बैंड जुनून ने कितने साल बाद कॉन्सर्ट किया था? आपकी ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 ईयर्स, ऑप्शन बी इज 13 ईयर्स, ऑप्शन सी इज 14 ईयर्स एंड ऑप्शन डी इज 15 ईयर्स। यार 2019 में हुआ था कॉन्सर्ट। मोइन खान स्टेडियम में हुआ था। और सब गए थे बट आई डिडंट गो, बट वो घर पे ही कॉन्सर्ट हो गया था ना, वी कुड हियर इट। मोइन खान और इनकी लड़ाई जो है वो हुई थी। क्यों रूठ जाते हैं बैंड वाले एक दूसरे से, क्यों रूठ जाते हैं इतने अच्छे बैंड्स जो हैं वो? बस क्यों होता है ऐसा? सक्सेस और पैसा जब इन्वॉल्व होता तो आई थिंक हर किसी का माइंड अपने लिए सोचता है। आइडियाज मैच नहीं करते एक दूसरे से, मेंटालिटी मैच नहीं करती। लेकिन सारी लाइम लाइट जो है वो उसके पास जा रही थी, होता है की यार काम मैं करूँ और तो तुम्हें कभी जेलसी नहीं होती कि सारी लाइम लाइट उसको मिलती है, सारी अटेंशन उसको मिलती है? नहीं नहीं, नहीं मुझे है, हमें बराबर की मिलती है शुरू से। अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है कि 15 या 14 10 इयर्स 13 इयर्स 14 इयर्स 14 ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई एक है। तो आप हम दो जवाब देने वाला ले लें, दो जवाब दीजिए। यू कैन यूज इट। आप सी और डी कर दें। पहली लाइफ लाइन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ऑप्शंस देंगे 14 एंड 15 लाइक सी एंड डी। या फाइनल लाइक 10 और 13 में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं नहीं, इट्स दिस इज स्टार्स। क्या हैं तुम लोगों के? एरीज स्कॉर्पियो है। कंपैटिबिलिटी है तो साथ है। स्क्रिप्ट के मुताबिक तो है। स्क्रिप्ट के मुताबिक तो है। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। 14 एंड 15 इयर्स 15 इयर्स दोनों ऑप्शंस को लॉक कीजिए। 14 एंड 15 इयर्स 14-15 साल। ऑल राइट, लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 15 साल के बाद मतलब इनके 3-4 में आखिरी गाना आया था संयोनी, उसके बाद फिर ये सेपरेट होकर जाता है। स्कूल में था उस टाइम पे। तो क्यों एक दूसरे को रोमांटिक गाने गा के सुनाते हो? टॉर्चर करने के लिए मेरा मतलब। नहीं नहीं, अच्छा एमन ने तो ये जुनून के वो सॉन्ग उस वक्त सुने ही नहीं होंगे क्योंकि ये तो 5-6 साल के बीच रहते हैं।
जब ये टूटा बैंड। मैं था कोई 10, 11, 12 साल का, तो मैं स्कूल में था, 6th, 7th स्टैंडर्ड में हूँ, तो हमें पता था कि कौन से गाने चल रहे हैं। और जुनून एक बैंड है जो कि बहुत फेमस है, उस टाइम पे बहुत पीक पे था। और 6th, 7th क्लास में आप यूजुअली कैसेट्स आती थी उस टाइम पे, और कैसेट्स आपको मिलती थी, उसमें एक कैसेट में कुछ 12-13 गाने होते थे, और एल्बम जो था वो उस टाइम पे आता था एक कैसेट में, जब जुनून का एक एल्बम आया सही होनी, तो वो एक 12 गाने थे, एक साइड पे 6 गाने, एक साइड पे 6 गाने, और अक्सर वो उसकी जो कैसेट थी वो खराब होती थी, चाबी से उसको दोबारा निकल जाती थी, तो उसको चाबी से फिर दोबारा भरते थे। उसके बाद फिर आई CD आई, फिर एक CD में 12 गाने आते थे, फिर DVD आई, फिर USB आई, फिर वो एकदम चीजें चेंज हो गई, तो खत्म हो गया। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी, सदफ स्टीरियो कितना फेमस सदफ स्टीरियो चलता था, उसके ना कैसेट स्टीरियो, या सदफ स्टीरियो, और उसकी कैसेट्स आती थी, और वो कैसेट्स आप हर बंदे ने ना गाड़ी की भरी होती थी कैसेट से। अब तो खैर ये ना USB में हमने किया या ब्लूटूथ से हमने कनेक्ट किया, पहले कैसेट्स में होती थी, और इतनी कैसेट्स होती थी हमारे पास। हाँ, और फिर वो आप उनसे अलग नहीं होना चाहते थे, वो आपकी कलेक्शन होती थी, होती थी वो बड़ी। मैंने देखा अभी भी कुछ लोगों ने उनके पास है ना, CDs है, कैसेट प्लेयर भी है, वो भी कहीं पड़ा होगा, अगर मुझे नजर आया मैं उठा के फेंक दूंगी, बट तो जगह ही नहीं है ना अब रखने की, अब तो आप म्यूजिक आपको जमा करने की किसी चीज में जरूरत ही नहीं है, फोन या वैसे है, तो वो जो इतना सारा DVDs एंड टेपे वो सारी, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, काफी शॉकिंग किस्म का शौक है, गाना तुमने कैद किया हुआ है ना, तुम उसको सुन सकते हो किसी चीज में डाल के, तो मेरा मतलब है कि अच्छा चलो खैर होता है, मैडनेस की तो कोई वो नहीं है ना। अच्छा, तो क्रेजी फैंस के बारे में जरा बताओ, तुम्हारे भी होंगे उसके भी कोई, जहाँ पे हमारा घर है उसके सामने एक कोचिंग सेंटर है, तो वहाँ से एक दफ़ा एक बच्चा है बड़ा क्यूट सा, तो वो मेरे लिए एक बड़ी अच्छी सी पेंटिंग बना के लाया, और उसके ऊपर कैलीग्राफी हुई हुई थी, बड़ी खूबसूरत हुई हुई थी। वो आया तो आके उसने पिक्चर वगैरह भी कैप्चर करा के बोला, आपसे एक रिक्वेस्ट है मैंने, जी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे, मतलब क्यों बोले, बस प्लीज मैं अपनी तरफ एक दिन के लिए फॉलो कर लें, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा ना, फिर आप कल मुझे अनफॉलो कर दीजिए, शर्तें लगाई होती है ना। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको फॉलो। अक्सर ऐसा होता है कि दरवाजा खोलो लेटर आ रहा है, गार्ड लेटर हमारे बहुत दफा आते हैं, गार्ड हमारे लेकर आते हैं, प्रॉपर बच्चे लेटर्स लिख के भेजते हैं कि हमें आपसे मिलना है, हम 9 बजे आ जाए, हम 8 बजे आ जाए। एक बच्ची का आया था एमन को, एक बच्ची का आया था वही ना कोचिंग सामने ना, तो वो अक्सर बच्चे जाते थे, वो हमारे गार्ड को ना लेटर लिख के चली गई कि ये इमन जी आएंगे ना तो उनको दे दीजिएगा, तो उसमें लिखा हुआ था अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप अगर घर पे हुई तो कल मैं 9 बजे आपसे मिलने आऊंगी, प्लीज घर पे रहिएगा, थैंक यू। 13-12 साल आए इतने सारे लोग, मैं अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, क्यूट, दैट वाज क्यूट। तो बाकी चीजें तुम लोगों ने बताई नहीं, लेकिन खैर अच्छा ठीक है, छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐश मंजिल का ये छठा सवाल है, 150,000 कैश के लिए, और ये भी ईदी में शामिल कर लेना मेरे ख्याल में, है ना, ठीक है, ठीक है, रिकवरी में। हाँ, ऐश मंजिल, छोटा सवाल, ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। मशहूर अंग्रेजी खेल द टेम्पेस्ट, उसके मुसन्निफ कौन थे? आपकी ऑप्शंस हैं जोनाथन स्विफ्ट, ऑप्शन बी इज विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी इज जॉर्ज ओवल, या ऑप्शन डी जेके रोलिंग। खेल द टेम्पेस्ट, खेल मतलब थिएटर की बात हो रही है यहाँ पे? हाँ, थिएटर। नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्या बताएं मैंने? सवाल तब्दील कीजिए जी, बेहतर सवाल हम आपका सवाल तब्दील, सवाल चेंज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन लगाइए जरा तुक्का। आई थिंक विलियम शेक्सपियर का नाम मैंने बहुत सुना है, विलियम शेक्सपियर का तो खैर हमने बहुत, चलो जी ऑप्शन बी इसको लॉक कीजिए। नहीं, ए भी हो सकता है, और देखते हैं कि इनका ये तुक्का अगर ये लगाते तो लगता कि ना जोनाथन स्विफ्ट का भी बड़ा नाम है राइटर, जेके रोलिंग भी, अब तो वो जी ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, और ये तुक्का लग गया है, विलियम शेक्सपियर इज द राइट आंसर, लेकिन लाइफलाइन यूज हो चुकी है, सवाल हमने आपका चेंज कर दिया है। क्या चेंज हुआ है? अब क्या बता रहे हैं ना, आने तो दो, अभी इतनी भी पूछ लिया ये तो गलत है, नेक्स्ट सवाल चेंज कीजिएगा। इनमें से वो कौन सा पाकिस्तानी आर्टिस्ट है जिन्होंने एक साल में 4 नेगार अवार्ड्स अपने नाम किए?
आपकी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सज्जाद अली, ऑप्शन बी उमर शरीफ, ऑप्शन सी मोहम्मद अली या ऑप्शन डी मुस्तफा कुरैशी। यार ये दोबारा हम पहले वाले क्वेश्चन पे जा सकते हैं, इसको हम अगर रिवर्ट कर सकते तो बहुत ही भयानक से डायलॉग यार है। कई दफा कुछ डायलॉग्स होते हैं ना, एक तो हम तो नॉर्मल लोकल लैंग्वेज है। असल में जो है ना, ये जितने भी हमारे स्टार्स हैं, ये उस टाइम पे इनका जब अरूज था तो उस टाइम पे हम बहुत छोटे थे, हम टॉम एंड जेरी देखते थे। मैंने मतलब हम सबको जानते हैं सज्जाद अली के, मैंने बहुत गाने सुने। आजकल का वक्त वो है कि सहगल के गाने भी हम इजीली सुन सकते हैं। हाँ, नहीं सज्जाद अली के मैंने बहुत सॉन्ग सुने, इज एवरीवेयर। उमर शरीफ के भी मैंने बहुत, मोहम्मद अली साहब सर की कुछ अभी तक मैंने देखा नहीं। हम कॉल कर लेते हैं, उसने एंटरटेनमेंट को बहुत कवर किया, आई थिंक आई एम श्योर उसको पता होगा, मुबशर उसका नाम है, मुबशर हाशमी इज अ न्यूज एंकर, और आई थिंक उसको पता होगा क्योंकि वो एंटरटेनमेंट कवर करता रहा है, तो मैं उसको कॉल करता हूं। जर्नलिस्ट कवर करता रहा है, एक्सपोज करता रहा है, एक्सपोज तो नहीं किया लेकिन उसने बहुत कवर किया उसको। अच्छा, एंड आपके पुराने दोस्त हैं कि कोई? नहीं, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मुबशर आपने नाम बताया, मुबशर हाशमी। अच्छा, और कब से आपकी इनके साथ दोस्ती है? 4 years। 4 years, so what is good about him? Like he's a very sensible guy and very informative, khabrein padhta hai, pehle khabrein pehle क्राइम रिपोर्टर था, उससे पहले एंटरटेनमेंट कवर करता था, फिर क्राइम रिपोर्टर था, उसके बाद न्यूज एंकर बन गया, न्यूज कास्ट करता था, अब न्यूज एंकर है। जो नई खबर आती है सबसे पहले आपको पहुंचा देता है, वो बड़ा इंफॉर्मेटिव है, उसको मतलब पॉलिटिक्स में मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट है, तो हम यूजुअली हम आपस में जो है वो व्यूज शेयर करते रहते हैं, तो दैट्स व्हाई मेरी उससे केमिस्ट्री बड़ी अच्छी। अच्छा, ऑलराइट जी, चलिए हम मुबशर साहब को कॉल मिलाइए, अगर वो खबरें ना पढ़ रहे हो कहीं तो। अच्छा, 60 सेकंड्स होंगे जब आप सवाल और जवाब का सिलसिला आएगा, तो 60 सेकंड्स होंगे, उसके बाद कॉल कट जाएगी, लेकिन उससे पहले जरा हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मुबशर साहब बात कर रहे हैं? जी जरा, खबरें तो नहीं पढ़ रहे थे आप? नहीं नहीं, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? कुछ फेक न्यूज़ के बारे में बताइए हमें कि लेटेस्ट आज की फेक न्यूज़ क्या है। इस टाइम तो आप सबको पता है लॉकडाउन से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है। जी आप बताएं क्या बताएं? लॉकडाउन से रिलेटेड ही न्यूज़ चल रही है, सब कुछ इस तरह की। अच्छा, तो आप ईद 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 का मौका है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? ईद बस अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि घरों में ही सेलिब्रेट करनी है सब। वैसे अमूमन ईद घरों में ही सेलिब्रेट होती है, है ना? इस दफा ज्यादा घर घर की ईद हो गई है, फिर भी कोई ईद लंबी हो गई है। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपके एक दोस्त यहाँ पे बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि आप को क्राइम के बारे में बड़ा पता है और आपको क्राइम करने के तरीके भी बड़े आते हैं और आप लोगों ने कहीं मिलके वो क्राइम के तरीके ट्राई भी किए हैं। हाँ, और पॉलिटिक्स के बारे में भी आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं पॉलिटिशियंस पे, खासतौर पर अगर वो फीमेल हो तो। अच्छा, तो ये मैं हम लोग बोल नेटवर्क पर हैं और आपके ये दोस्त हैं और ये सवाल एक मुश्किल आ गया है, तो उन्होंने कहा भाई मेरा एक दोस्त है जो शोबिस को अनकवर करता है, डिस्कवर करता है, एक्सपोज कर देता है वो चीज़ें जो एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, तो शायद सवाल के जवाब में आप उनकी मदद कर सकें, तो प्लीज़ ओवर टू योर फ्रेंड उनसे बात करें। हाँ जी, क्या हाल है? अच्छा यार, ये क्वेश्चन है कि इनमें से वो कौन सा पाकिस्तानी आर्टिस्ट है जिन्होंने एक साल में 4 निगार अवार्ड्स अपने नाम किए, जो निगार अवार्ड्स होते थे ना उसमें, निगार अवार्ड सिफारिश के। हाँ, तो उसमें कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसने एक साल में 4 अवार्ड्स लिए थे? अच्छा, ऑप्शंस हमारे पास है सज्जाद अली, मोहम्मद अली, मुस्तफा कुरैशी और उमर शरीफ। एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनमें से वो कौन सा पाकिस्तानी आर्टिस्ट है जिन्होंने एक साल में 4 निगार अवार्ड्स अपने नाम किए? सज्जाद अली, उमर शरीफ, मोहम्मद अली या मुस्तफा कुरैशी? सज्जाद अली तो बिल्कुल नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन क्या है? उमर शरीफ, मोहम्मद अली और मुस्तफा कुरैशी। 10 सेकंड रह गए। 9 उमर शरीफ। एक दफा दोबारा देख लो, मोहम्मद अली, मुस्तफा कुरैशी। और कॉल कट गई है।
लेट्स गो विद द ऑप्शन वी हैव बी ऑप्शन बी आई थिंक मुबशर ने कहा है तो उमर शरीफ ही करते हैं लॉक करें इनको जी जी ऑप्शन बी को लॉक कीजिए उमर शरीफ साहब को लॉक कर दीजिए तक अच्छे जी ऑप्शन बी उमर शरीफ व्हाट्स द राइट आंसर मुस्तफा कुरैशी इज द रॉन्ग आंसर उमर शरीफ इज द राइट आंसर बंदे पक्के हैं हमारे पास स्क्रिप्ट पक्का मैं आपको बता रहा हूँ बंदे पक्के रखे बंदे ऐसे आपने हर टॉपिक के लिए के भाई बंदे पक्के हैं हमारे पास तो उमर शरीफ ने तो चार निगार अवार्ड्स ले लिए लेकिन हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और वापस आएंगे इसके लिए मुबारक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड डबल डोज ऑफ ईदी जो हम आपके लिए लाए हैं वो यहाँ पे मौजूद है सातवें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं 250 सीसी बाइक मुझे मैंने सुना था तुम्हें बाइक चलानी आती है मोटरबाइक हां गलत आपकी स्क्रिप्ट कच्ची है हमारी नहीं मुझे नहीं आती फेक न्यूज़ इट्स अ फेक न्यूज़ गॉसिप अपने बारे में गॉसिप क्या-क्या सुनी है ये तो नहीं हो सकता कि अपने अपने बारे में कोई गॉसिप ना सुनी हो पहले या आप या कुछ कम ऑन हिना आपको शादी में क्यों नहीं बुलाया था यार है ना इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन मैं बता देता हूं नहीं क्या था मैं बता रही हूं मेरे एंड से आई थिंक बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग मिस हो गए उसमें मैं मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है मैंने है ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इवन मैंने उससे प्रैक्टिसेस हमने ग्रुप्स में भी हमने मैंने जिस दिन मैं बताता हूं आपको हमारी डांस प्रैक्टिसेस होती थी तो हमने एक ग्रुप बनाया था उसका तो मैंने हिना को मैंने उसके अंदर ऐड किया था लेकिन जैसे ही वो ग्रुप बना तो हिना ने एकदम वो ग्रुप लीव कर दिया तो मुझे शायद ये लगा शायद यार उस वक्त तक ये कोई बात नहीं हुई थी जब ही हुई थी और मुझे लगा शायद पता नहीं नहीं लेकिन मैं भी एक फ्लाइट में हिना के साथ थी जब सब कुछ ठीक था फ्लाइट में फ्लाइट हम लाहौर गए थे किसी काम से सारा दिन हम साथ थे हिना को मैंने बुलाया था यार ऐसी कोई बात नहीं हुई तो हमने कोई डिस्कशन भी नहीं की लेकिन अभी हमारे बीच में कोई ऐसे ग्रजेस नहीं है जो लिख रहे हैं ना लोग गॉसिप्स यू नो गॉसिप्स ऐसा कुछ नहीं है ये मेरा जो कंट्रोल ये पीछे कंट्रोल ये जाहिर है आई डिडंट नो दिस तो ये मेरे कान में बताई गई बात कि ये पूछे और फिर अब मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो ये है कि वो बॉलीवुड पता नहीं हॉलीवुड लॉलीवुड बॉलीवुड पार्टी में सिर्फ बुलाया था उसके बाद किसी उसमें इनवाइट नहीं किया नहीं मैंने मुझे अच्छी तरीके से याद है मैंने हिना को इनवाइट किया था मेरे पास उस वक्त मेरे साथ इशू ये हुआ था कि लॉलीवुड नाइट में तो मैंने सारे मीडिया को बुलाया था अपने हिना को भी बुलाया था और मेहंदी जो हुई थी उसमें भी मैंने सबको बुलाया था शादी में एमन ने बुलाना था और वलीमे में मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि वलीमे से एक दिन पहले मेरा फ़ोन ख़राब हो गया ठीक है मैंने करना क्या था नहीं है, लेकिन चले हाँ, कि मेरा एक दिन पहले जो है ना मेरा फ़ोन ख़राब हो गया और जितने भी लोग थे मोस्टली लोगों को मैंने कॉल्स करनी थी कि यार आपने आना है कल मेरी शादी है आपने आना है कल मेरा वलीमे अच्छा उस वक्त मैंने मुझे पता ही नहीं था कि आई क्लाउड में आप सेव करते हैं और फिर वो आ जाता है तो मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स जो थे वो आए ही नहीं कुछ कॉन्टैक्ट्स आए और मोस्टली नहीं है मुनीम के पास फोन नहीं था मैं एमन का कभी अम्मी का मैं अपनी फोन लेके सिम डाल लूं मैं इतना परेशान मिला यार किसी को मैंने कॉल नहीं की वलीमे के लिए तो बस इस वजह से शादी के बाद काफी टाइम तक फोन मुझे कभी कभी आता था किसी का कि तुमने मुझे शादी पे नहीं बुलाया काफी लोग अच्छा कुछ यार हमारी इंडस्ट्री मेरे इतने सारे दोस्त हैं इतने सारे हमारे दोस्त हैं इंडस्ट्री तकरीबन सबके साथ ही हमने काम किया हुआ है और सारे हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं अब कभी कभार ऐसा होता है कि आप लिस्ट बनाते हैं तो एक आध नाम आपसे बाय मिस्टेक रह जाता है वो इंटेंशनली नहीं होता वो गलती से रह जाता है बट ये कि बहुत शर्मिंदगी होती है जब बोले यार आप बाद में यार वो हां लेकिन फिर दूसरे बंदे को क्लास लेने का मौका मिल जाता है रगड़ा देने का एंड तक फिर यही चलता है बिल्कुल ऐसा ही है अच्छा जी चले जी हम 250 सीसी बाइक की तरफ चलते हैं है ना और सातवां सवाल है यश मंजिल का एंड इट विल कम ऑन योर स्क्रीन्स नाउ मशहूर हॉलीवुड मूवी 300 जिसके हिदायतकार का क्या नाम है
आपकी ऑप्शंस हैं जेफरी सिल्वर, ये तो हमने देखी है, ऑप्शन बी जेरार्ड बटलर, ऑप्शन सी जैक स्नाइडर एंड ऑप्शन डी इज स्टीवन स्पीलबर्ग. हां 300 ये मूवी मैंने देखी हुई है और बहुत कमाल मूवी है, बहुत मजेदार. एमन को मैंने बोला कि हम ये मूवी देखते हैं, एमन ने बोला मुझे मार धाड़ वाली एक्शन वाली मूवीज नहीं पसंद, ये बहुत इसके अंदर खून खराब है. मैंने ये स्पार्टन्स के ऊपर है, बड़ी जबरदस्त मूवी है और ये देखो बड़ा मजा आएगा. ये दोबारा भी देखी जा सकती है, होते ना कुछ वन टाइम वॉच होती है. पूरी मूवी इसको मैंने बताया, ये पूरी मूवी जो है ना क्रोमा पे शूट हुई हुई है, ठीक है, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि क्रोमा है, ये सारी मूवी एनिमेटेड है, ठीक है. अच्छा इसके एक पार्ट टू भी है, इसका सीक्वल भी है जो कि इससे पहले की स्टोरी है, मैंने वो भी देखी हुई है, बट कभी मैंने डायरेक्टर का नाम नहीं पढ़ा, सॉरी मुझे नहीं पता, सॉरी, लेकिन मुझे मूवी देखी हुई है मैंने, बट डायरेक्टर का नाम नहीं पढ़ा. स्टीवन स्पीलबर्ग बहुत मशहूर. लाइफ लाइन अब आपके पास नहीं है. मुझे नहीं आता, आप क्विट करने के गलत जवाब देखे. हाँ गलत जवाब दिया तो बिल्कुल ठीक है ना, फिर फिर कुछ नहीं मिलेगा. इफ यू क्विट तो 150,000 कैश आप जीतेंगे, क्योंकि एक बहुत वो हो जाएगा ब्लाइंड. आपकी स्क्रिप्ट का राइटर तो पता है ना आपको, डायरेक्टर राइटर आपने का तो पता है, कास्ट एक्टर्स एक्स्ट्रास सब पता है, सब पता है. अच्छा सो यू आर क्विटिंग, ऑलराइट आप क्विट कर रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट 150,000 कैश आप जीते हुए. अब लगाइए तुक्का. स्टीवन स्पीलबर्ग, ऑप्शन डी स्टीवन स्पीलबर्ग, इसको लॉक करें. जैक स्नाइडर इज द राइट आंसर एक्चुअली. स्टीवन स्पीलबर्ग का जगह क्विट किया मैंने, अच्छी जगह. स्टीवन स्पीलबर्ग इस वजह से पता है क्योंकि इनका नाम बहुत सुना था और इनकी मूवीज जो है वो मुझे यूनिवर्सिटी में एज एन असाइनमेंट मिलती थी कि आपने स्टीवन स्पीलबर्ग की कोई एक फिल्म देख के आनी है, फिर वी विल डिस्कस. मैंने अपनी मीडिया साइंस में अपनी लिखी ली है तो इस वजह से मैंने सोचा शायद है ना मशहूर है तो इन पे डाल दो, मशहूर के इन पे डाल दो. हां यही होता है, जैसे विलियम शेक्सपियर जैक स्नाइडर इज द राइट आंसर. लेकिन भाई वेरी वेल, आपकी टीम माशाल्लाह सही काम कर रही है एंड आई होप कि ये बहुत आगे तक जाए और इस तरह ये टीम बनी रहे और इसमें छोटे छोटे प्लेयर्स जो हैं वो आते रहे हैं ना. ईद का कोई पैगाम, कहते हैं अपने फैंस को पैगाम दे, या ईद का कोई पैगाम, ईद का कोई पैगाम दे जल्दी से. मेरा ये कि मैसेज है लोगों को कि ईदियाँ ना लेने ज़्यादा, ईद मुबारक. हाँ और जो वक्त अभी हम फेस कर रहे हैं, हम क्या पूरी दुनिया फेस कर रही है, ऐसा नहीं रहेगा. आई नो मुनीर तुम ये नहीं, मैं ये नहीं, मैंने कुछ और कहने वाला, मैं ये कह रहा था कि इस वक्त जो है वो जिस तरह हम ईद मना रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह नहीं मना रहे होंगे बिकॉज इतना क्राइसिस चले और इतने इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, तो आई थिंक इस टाइम पे अपने ऊपर और अपने आगे पीछे के लोगों पर खर्च करने से बेहतर है कि आप उन पैसों को डोनेट करें ज़कात में. इस वक्त ज़्यादा है, इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है और एक अपॉर्चुनिटी है अल्लाह ताला से कारोबार करने की कि आप लोगों को दें और फिर देखें आपके पास. बीवियों को कहें ज़रा टैक्स खत्म करें ईदियों पे, ये भी आप. हाँ वो नहीं हो सकता, वो तो इम्पॉसिबल नहीं हो सकता. और मेरा मैसेज यही है कि यार लेट्स डोनेट एंड डोनेट एज मच एज वी कैन, दैट्स इट. जी ये तो थी हमारी तरफ से आपके लिए ईदी, आई होप यू एंजॉयड इट. आपसे फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी. टिल देन आप सबको बहुत बहुत बोल नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक एंड अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम एंड स्टे अवे फ्रॉम अदर पीपल एंड बी सेफ. खुदा हाफिज़.